गुजरात में कसाईयों और शराब तस्करों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, ये कहना है वहां पर मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, जिन्होंने ये कहकर वहां पर हंगामा मचा दिया है। आखिर अब गुजरात की बात क्यों हो रही है जब वहां पर भाजपा की सरकार बन गई है? जाहिर सी बात है कि वहां पर अब भाजपा जीत गई है, विधानसभा चुनाव हो गए हैं और इस साल कई विधानसभा चुनाव है जिसकी तैयारी में बीजेपी लगातार है। पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और वहां पर अब ये बातें क्यों उठ रही हैं? गुजरात में कसाई और शराब तस्करों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, इसके पीछे क्या रीजन है? अगर शराब तस्करों, अगर कोई शराब के खिलाफ अभियान चलाता है, शराब पर पाबंदी लगाते हैं, रोक लगाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि ऐसे जो ऐसी गतिविधियां होती हैं उन पर हर राज्य को रोक लगानी चाहिए, नशे नशीले पदार्थ जो होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन फिर मसला आता है कसाईयों का, आखिर ऐसा क्या है इस खबर में, आखिर ये खबर के अंदर क्या बात छुपी है, क्या कारण छुपे हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर वहां गुजरात चुनाव, जैसा कि आपने सभी ने देखा कि जब गुजरात और हिमाचल चुनाव हो रहे थे, हालांकि दोनों ही जगह वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अगर गुजरात की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी टक्कर दी है। जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते दिख रहे थे कि गुजरात में हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, बीजेपी पार्टी सीधा सीधा 150 सीटों से ज्यादा जीतकर सरकार बनाएगी और वो महज 99 सीटों पर सिमट कर रहेगी, तो इसका कारण क्या ये खबर हो सकती है कि कसाई और शराब तस्करों ने वोट नहीं दिया? क्या इसका असर यही हो सकता है? क्या इनकी मात्रा इतनी बड़ी है कि वो वहां पर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं? लेकिन जो भी हो, बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर और वहां पर तीन धुरंधर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, इन तीनों का साथ मिलके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसी तिकड़मबाजी की, ऐसे दलों को अपने साथ इकट्ठा किया, कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहने पर मजबूर हो गई शायद वो अपने जीतने का जश्न नहीं बल्कि अपनी सीट बचने का जश्न मना रही है। तो आइए ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं आपको रूबरू कराता हूं कि आखिर ये ऐसा क्या है इस खबर में। आप देख सकते हैं गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि भाजपा की सीटें घटी क्योंकि तीन तलाक बिल के विरोधियों ने पार्टी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा, अच्छे डायलॉग से फिल्में चलती हैं, देश चलाने के लिए सार्थक योजनाएं चाहिए। जाहिर सी बात है फिल्में जब ही चलती हैं जब उसमें अच्छे डायलॉग हों, और देश जब ही चलता है जब सार्थक योजनाएं हों। आते हैं इस खबर में, आखिर खबर में ऐसा क्या है? गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने गुरुवार को कहा कि हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर इसलिए 99 हो गई क्योंकि कसाईयों, शराब तस्करों, प्रस्तावित तीन तलाक संबंधी विधेयक के विरोधियों ने पार्टी को वोट नहीं दिया। जाहिर सी बात है जब तीन तलाक का मुद्दा चल रहा था तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके पक्ष में जरूर दिखे, लेकिन बहुत संख्या में लोग ऐसे थे जो इसका विरोध भी कर रहे थे और कह रहे थे कि क्यों हमारे मामले में दखल दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग, कुछ औरतों को हमने, कुछ वर्ग की, कुछ समुदाय की महिलाओं को हमने टीवी पर देखा, महिलाओं को देखा इस फैसले का स्वीकारते हुए देखा, मिठाइयाँ बांटते हुए देखा, मालाएं पहनाते हुए देखा, मोदी जी का धन्यवाद कहते हुए देखा, लेकिन तो बहुसंख्यक संख्या में महिलाएं ऐसी भी थीं जो इसका विरोध कर रही थी और वो ये कह रही थी कि ये शरीयत के हिसाब से है और इसमें दखल देना सही बात नहीं है। अब आते हैं और आगे की बात करते हैं। दिसंबर में हुए चुनाव के कड़े मुकाबले में भाजपा लगातार छठी बार अपनी सत्ता तो बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटें घटकर 99 हो गई। कांग्रेस ने 182 सदस्य विधानसभा में 77 सीटें जीती। कांग्रेस के लिए ये कम बड़ी जीत नहीं है, जहां पर वहां पर ऐसा वर्चस्व भी ना हो, पीएम मोदी के गढ़ में जाकर पीएम को चुनौती देना और वहां पर भले ही सरकार ना बने लेकिन अपने प्रदर्शन से बीजेपी सरकार को हिला कर रख देना और एक समय के लिए, कुछ समय के लिए वो घबराहट होना, वो डर होना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन जाए, कांग्रेस के लिए जीत से कम नहीं था। जडेजा ने विधानसभा में कहा, मैं आपको बताता हूं कि किसने हमें वोट नहीं दिया। वो कसाई लोग थे जो कठोर गौवध विरोधी कानून लाने पर हमसे नाराज थे।
वो शराब के तस्कर थे जो इसलिए नाराज थे क्योंकि भाजपा सरकार कड़ा मद्य निषेध कानून लाई। आप देख सकते हैं सीधा सीधा। वहीं आपको आगे बताते हैं कि वह राज्यपाल ओपी कोहली द्वारा बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे कि चर्चा के दौरान विषय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन की ओर मुड़ गया था। मंत्री ने कहा, कई विद्यालय खुश नहीं थे क्योंकि हम उनकी फीस की सीमा तय करते हुए कानून लाए। जो लोग केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर या नीत सरकार द्वारा मुस्लिम महिला को तीन तलाक से बचाने के लिए पेश किए गए विधेयक से नाराज थे, उन्होंने भी हमें वोट नहीं दिया, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसका समर्थन करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन इसके खिलाफ वो बड़ी संख्या में थे। और इसीलिए इसका कारण बताया है कि वो उस इसीलिए नाराज लोगों ने, एक समुदाय के नाराज लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और वहीं वो ये भी कहते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाने वाले एक शीर्ष कांग्रेस नेता चुनाव से पहले कई मंदिरों में गए, लेकिन उससे भी पार्टी को सत्ता में आने में मदद नहीं मिली। जाहिर सही बात है, सत्ता में भले ही ना आए हों, लेकिन बेहतर प्रदर्शन को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन नेता ये कहना भूल गए हैं शायद कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर ऐसा प्रदर्शन कर सकती है तो अगली बार वो मात भी दे सकती है। जडेजा ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं के जनता को जातिगत और सांप्रदायिक राजनीति से भड़काने के बावजूद पार्टी केवल 77 सीटों पर सिमट गई। चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता कहते थे कि पार्टी 125 सीटें जीतकर सत्ता में आएगी, लेकिन उन्हें बस 77 सीटें ही मिली। जाहिर सी बात है, अगर ये पार्टी 125 सीटें जीतकर सत्ता में आने की बात कहती थी तो बीजेपी पार्टी भी 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर कहकर सत्ता में आने की बात कहती थी, जो कि दोनों ही पार्टी की बात झूठी निकली। लेकिन हुआ वही जो जनता चाहती थी, सरकार उसी की बनी जो कि जिसको जनता ने चुना। जनता अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की लोकप्रियता भी बढ़ी है, तभी उन्हें 77 सीटें मिली हैं। बातें हैं खबर के आगे। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रम माडम ने दबे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे डायलॉग से फिल्में चलने में मदद होती है। देश चलाने के लिए सार्थक योजनाएं चाहिए होती हैं। अगर भाजपा का लक्ष्य 150 सीट जीतना था, अब अगर वे 99 पर सिमट गए तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आगे वही बात जो हम आपको बता रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस 125 सीटों से ज़्यादा जीतने का दावा करती थी तो वो महज 77 सीटों पर दबके रह गई, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है कि बीजेपी भी 150 सीटों से ज़्यादा जीतने की बात कहती थी और वो महज 99 पे सिमट कर रह गई। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के झूठे दावे निकले, भले ही वहाँ पर सरकार बीजेपी की बनी है और वहाँ पर जो जनता ने चुना है उन्हीं की सरकार बनी है, लेकिन अब वहाँ पर राहुल गांधी की, कांग्रेस की, या फिर कहें इन तीन धुरंधर, जो कि कांग्रेस को इन तीन धुरंधरों का साथ मिला, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन में। और अब अगर वो कांग्रेस अब इतना बेहतर प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं अगली बार बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि जब हम देख रहे थे, जब इनके जब गिनती चल रही थी, जिस दिन रिजल्ट घोषित हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस दिन ये लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है। और लोग कहीं ना कहीं एक पल के लिए बीजेपी की धड़कनें भी तेज़ हो गई थी और ये लग रहा था कि बीजेपी इस बार गुजरात में नहीं आएगी, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन एंड वक्त पर गुजरात की जनता ने आखिर बीजेपी के ही साथ दिया और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन और वहाँ पर किन कारणों से गुजरात में बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली, वो कारण अब मंत्री ने अपने साफ शब्दों में कहा है और जो अभी हमने आपको दिखाया। बहरहाल अब इसके पीछे यही सही कारण है या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण बने हुए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर सरकार बीजेपी की बनी है तो लोकप्रियता भी कांग्रेस की बढ़ी है। और अब देखना होगा कि आगे
आगे वहां पर गुजरात में अब ऐसी राजनीति या ऐसे बयान और कितने आते हैं जो कि वहां पर राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.